भाइयों बहनों, इस देश में हमने एक सपना रखा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगर हमारे देश के किसान को पानी मिल जाए, वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तो हमने पहले राउंड में ढूंढा कि कौन से प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। मैं हैरान हूं, कांग्रेस के इतनी इतनी सरकारें आके गई, 30-30, 40-40 साल पुराने डैम के काम, नहर के काम, कैनाल के काम 90 से ज्यादा ऐसे ही लटके पड़े थे। 50,000 करोड़ रुपयों के बजट से उन 90 डैम के काम आज हमारी सरकार करवा रही है। इनको काम पूरा करना इनकी रुचि में नहीं था भाई, ये इनके स्वभाव में नहीं था। इतना ही नहीं, इन दिनों जब मैं गुजरात में था तो एक स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम चलाता था, टेक्नोलॉजी ड्रीवन था, ग्रीवेंस रिड्रेसल की योजना थी और उसको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ था, अवार्ड मिले थे उसको, बड़ी यूनिक व्यवस्था थी और मैं नागरिकों से सीधा संवाद करता था। उसी तर्ज पर, उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मैंने दिल्ली में जाकर के एक प्रगति नाम का कार्यक्रम शुरू किया और देश भर के चीफ सेक्रेटरी के साथ महीने में एक बार बैठता हूं, भारत सरकार के सभी सचिवों के साथ बैठता हूं और पुराने लटके पड़े प्रोजेक्ट को ढूंढ ढूंढ के निकालता हूं। आप हैरान हो जाएंगे मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे गुजरात के भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने कैसा कैसी तबाही की है आप जानकर के हैरान हो जाएंगे। पार्लियामेंट में रेलवे के प्रोजेक्ट घोषित हुए हो, बजट की बातें की गई हो, रोड के प्रोजेक्ट बने हो, डैम के प्रोजेक्ट बने हो, बिजली के कारखाने के प्रोजेक्ट लगे हो, जाकर के किसी मंत्री ने पत्थर लगा दिया हो, वाहवाही लूट ली हो, 30-30, 40-40 साल से उस पर एक रुपया खर्च नहीं किया गया, ऐसी सारी योजनाएं लटकी पड़ी थी, मैंने उसको निकाला, छोटे छोटे कारणों से लटकी पड़ी थी। अब तक करीब 12 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा, कल्पना करिए 12 लाख करोड़ रुपया इसके प्रोजेक्ट लटके पड़े थे, उनको मैंने चालू करवाया है।